राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस से खुश हैं। ये गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आया है। राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि अपराध और अपराधी दोनों राजस्थान से खत्म करें, जो उचित है वह एक्शन लें, लेकिन राजस्थान से अपराध का नाम खत्म होना चाहिए। लोगों में भय की बजाय सरकार के प्रति विश्वास हो, अपराधियों को मार मार कर प्रदेश से भागने के लिए मजबूर कर दे। हालांकि गृह विभाग में पुलिस बेड़े में अधिकतर तारीफ केवल एसओजी के हिस्से आई। एसओजी की ओर से पेपर लीक माफियाओं पर जारी अंकुश से सीएम भजनलाल सरकार को मिल रही संजीवनी का असर बैठक में दिखा। पूरे देश में एसओजी की कार्रवाई की तारीफ हो रही है। राज्य सरकार ने इन प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम किया है। पुलिस विभाग मजबूत रहने से देश में राज्य की साख बढ़ेगी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान सीएम ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अगर अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खुफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतर उपयोग करे। कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं और एससी एसटी वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस का हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सतर्कता के चलते पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। कुल अपराधों में राज्य में 7.3% की कमी आई है। इसके अलावा महिला अत्याचारों में भी 8.8% और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96% की कमी दर्ज की गई है। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद क्या कहा। एक्टिंग हमारे चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे थे, अभय कुमार जी, सबको यही कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, आम आदमी को न्याय मिले, थानों में और ऑफिसों में अपराधियों के साथ मधुर व्यवहार करते हुए उनको त्वरित न्याय की व्यवस्था पुलिस के अधिकारियों के द्वारा की जाए, ये हमारी सरकार का ध्येय है। और निश्चित रूप से हमें संतोष भी है कि जब समीक्षा हो रही थी और अपराधों के ग्राफ के बारे में जब चर्चा हुई तो निश्चित रूप से अपराधों के ग्राफ में बहुत कमी आई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा काम मात्र इतना ही नहीं है कि एकदम थोड़ा ग्राफ कम हुआ है, इसको और कम करते करते अपराध मुक्त राजस्थान की ओर हमें बढ़ना है और उसके लिए पुलिस काम करे। पुलिस के लिए संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी वो हम देंगे। नफरी की आवश्यकता होगी हम भर्ती करेंगे और सभी थानों में नफरी की उपलब्धता कराकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये हमारा ध्येय है, उसके लिए निर्देश जारी। मुख्यमंत्री मोदी ने कोई फटकार भी लगाई है पुलिस अधिकारी को, जिस हिसाब से हमें जानकारी मिली है कि कानून व्यवस्था काबू में नहीं आ पा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो उसके लिए निर्देश, जिला साइबर क्राइम में राजस्थान में फर्स्ट था। पूरे देश का साइबर क्राइम का 18% सीधे डीग जिले में हुआ करता था, उसको कम करते हुए आज 3.5% पर उस अपराध को ला करके हमारी पुलिस ने खड़ा किया। वही पुलिस है ना, कांग्रेस के राज में पिटती थी, हमने उनका इकबाल मजबूत किया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो वही है ना। सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में। साइबर क्राइम हो, चोरी हो, नकबजनी हो, ठगी हो, लूट हो, हत्या हो, मानव तस्करी हो, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो, सब पर लगाम लगा करके अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। मंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बात कही कि जेलों में मोबाइल संबंधी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सख्त कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में अपराधियों के मोबाइल इस्तेमाल करते पाए जाने पर संबंधित जेल कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरण में एसओजी द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की भी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से अपराध के पर्यटन को भी खत्म करने की जरूरत है। जो अपराधी पड़ोसी राज्यों में अपराध कर शरण स्थली राजस्थान के किसी शहर को समझ रहे हैं या गाँव में है, उन्हें खत्म किया जाए। बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि हमारी सरकार में कांग्रेस के शासनकाल के मुकाबले अपराधों में कमी आई है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। हमें अपराध को कम करते करते अपराध मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ना है। इस दिशा में पुलिस काम करे, इसके लिए पुलिस को संसाधन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस में नफरी की कमी होगी तो हम भर्ती करेंगे, सभी थानों में पर्याप्त नफरी उपलब्ध कराएंगे, संसाधनों की भी व्यवस्था पुलिस थानों के हिसाब से की जाएगी। जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम में भी कमी दर्ज की गई है। पहले डीग जिला साइबर क्राइम में राजस्थान में नंबर एक पर था, वहीं देश के साइबर क्राइम का 18% डीग जिले में होता था, जिसे कम करके अब 3.5% पर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह वही पुलिस है जो कांग्रेस के राज में पिटती थी। हमने पुलिस का इकबाल बुलंद किया है, आज अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधों में कमी दर्ज की जा रही है। ये पिछली सरकार और इस सरकार में अपराधियों के प्रति बरती जा रही सख्ती का असर है। अब समीक्षा बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस के वो अधिकारी भी सक्रिय होंगे जो अब तक राजनीतिक या किसी नेता के कहने पर काम नहीं कर रहे थे। ये अंदर खाने चर्चा है कि पुलिस चाहकर भी उन लोगों पर एक्शन लेने से बच रही है जो पूर्ववर्ती सरकार में सरकार के करीबियों में गिने जाते थे। लेकिन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ कर दिया कि अब सरकार बदल चुकी है और सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए चेहरे भी बदले हुए हैं। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, हर हाल में राजस्थान से अपराध को खत्म करना है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके जिले की, आपके आसपास की अपराधिक स्थिति। नमस्कार।